लियर चंबल संभाग में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मुरैना सभा करने आई बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने एक घंटे के भाषण में उन्होंने 20 से ज्यादा बार कांग्रेस को कोसा। मायावती ने कहा है कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने जो बसपा के साथ किया है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर गुना से हमारे प्रत्याशी को डरा धमका कर कांग्रेस में शामिल करा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में अब खड़े बसपा प्रत्याशियों के खिलाफ यही रवैया अपनाए हुए है, जल्दी कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी दलित समाज की उन्नति की पहल ठीक से नहीं की है, वो नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न मिले। मायावती ने पहले भी दी थी धमकी। 30 अप्रैल को बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को समर्थन जारी करने पर पुनर्विचार की धमकी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट पर बीएसपी उम्मीदवार को कांग्रेस ने डरा धमकाकर जबरदस्ती बैठा दिया है। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी इस सीट पर अपने सिंबल पर ही लड़कर जवाब देगी, कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर भी पुनर्विचार करेगी। गुना का प्रत्याशी कांग्रेस में हुआ था शामिल। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार लोकेंद्र सिंह राजपूत खड़े थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे मायावती नाराज है और उन्होंने अपनी ये नाराजगी खुले आम जाहिर की है। 4 मई को मायावती गुना शिवपुरी में इनकी सभा थी, उसके बाद में उसे निरस्त कर दिया गया।